نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उम्मीद और दुआ है कि आप सब खैरियत के साथ होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह सुबहाना व ताला आप सब से राज़ी हों और अल्लाह सुबहाना व ताला हमारे इस वक्त को बेहतरीन तरीके से इल्म को हासिल करने वाला, उस पर अमल करने वाला और अमल के साथ उसे दूसरों तक पहुँचाने वाला बना दे। आज का हमारा पहला लेसन, सबसे पहला लेसन जो है वो क्या है, तआवुज़ के बारे में। अब एक सवाल उठेगा कि नहीं, हमने तआवुज़ के बारे में ही जो है आगाज़ क्यों किया, इसकी फ़जीलत क्या है और क्यों यहाँ से आगाज़ किया जा रहा है। इंशाल्लाह इसके अलग से जो है वो एक हम लेक्चर ज़रूर रखेंगे, लेकिन मुख्तसर जो मुझे चीज़ें महसूस हुई उसमें क्या था कि ये एक ऐसा तआवुज़ और तस्मिया की प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर जो मिस्टेक्स देखने को मिलती हैं वो मेरे स्टूडेंट्स की तरफ से यही होती हैं कि बचपन में जैसे जैसे हमने रिसाइट किया होता है या वो चीज़ें जिन पे हमने काम नहीं किया होता तो वही आदत हमारी बनी होती है और कुरान के साथ भी वही मामला कर रहे होते हैं, जबकि हमें थोड़ी सी कोशिश करनी है, थोड़ी सी मेहनत करनी है और यकीन करें कुरान के साथ जब दोस्ती मज़बूत हो जाती है तो फिर हमें मज़ा आने लगता है। जब हम इसके साथ प्रैक्टिस करते हैं ऐसे लगता है कि जैसे ये कुरान फिर बातें करने लगता है हमसे। तो बस थोड़ा सा काम करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, तो चलें बग़ैर वक्त को ज़ाया किए हम अपने लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देखें कि बचपन से लेके अब तक हम जैसे भी तआवुज़ पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही आप पढ़ें और साथ में देखें कि आपकी कौन सी ऐसी गलती है जो कि आपसे सरज़द होती है और आपने मेरे साथ साथ उसे प्रैक्टिस करना है, तो फिर प्रैक्टिस के साथ उसे बेहतर करने की कोशिश करनी है। वो कैसे, अब अगर बचपन में आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, ये ऐसे है जैसे ज़्यादातर मैंने लोगों के मुँह से सुना है और यह हकीकत बात है कि मैंने भी जब इस सफ़र का आगाज़ किया था, जब मैंने कुछ कोर्सेज का आगाज़ किया था, मेरी अपनी ये मिस्टेक रही है और काफ़ी सारे कोर्सेज के बाद भी मुझे लगा कि नहीं, स्टिल मेरी ये मिस्टेक अभी भी मौजूद है। तो इसलिए परेशान नहीं होना आपने, लेकिन प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो करना क्या है, देखें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, आऊज़ु, मैं थोड़ा 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 इसे जो है आपके सामने तीन हिस्सों में पढ़ूंगी, आपने उसी तरह मेरे पीछे पढ़ना है। कैसे, आऊज़ु अ, ठीक है, हमज़ा अ, आऊज़ु, आऊज़ु, आऊज़ु बिल्लाहि, लफ्ज़ अल्लाह को लाइट रखना है हमने, बिल्लाहि नहीं कहना, बिल्लाहि, ठीक है, बिल्लाहि मिनश्शैतानी, शीन में से ये मिनश, ठीक है, ये साउंड आनी चाहिए। अब इनके मखरज क्या हैं इस पे हम इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। मिनश्शैतानी, तो हैवी रखें, निरोजीम, रॉ को मोटा रखें, तो और रॉ इनको मोटा रखना है, तो को तुआ और रॉ को रवा नहीं करना, ठीक है, इससे बचना है आपने। अगर तो ये मिस्टेक आपकी हो रही है तो आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है और घबराना नहीं है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एक दिन इंशाल्लाह इसमें आसानी हो जाएगी। चलें दोबारा से पांच दफ़ा मैं इसे पढ़ूंगी, आपने पीछे पीछे पढ़ना है। कैसे, अऊज़ु, अऊज़ु, ठीक, बिल्लाही, लफ्ज़ अल्लाह लाइट होगा, बिल्लाही मिनश्शैतानी, तो हैवी होगा, मिनश्शैतानी, ठीक है, निरोजीम, 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 ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है और बार बार करनी है आपने। कैसे, अऊज़ु बिल्लाहि, साथ में स्लाइड पे गौर करें, ठीक है, क्या है, हमज़ा है, हमज़ा अ अ, ये साउंड आती है ना, अऊज़ु बिल लाही मिनश्शैतानी, इसे मिनश्शैतानी ऐसे नहीं करना, या फिर मिनश्शैतानी, तानी या तुआनी, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि हमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है और जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे इसमें बेहतरी नहीं आएगी।
तो बस प्रैक्टिस 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 चलें फिर से हम पढ़ते हैं और साथ में आपने मेरे साथ साथ इसको रिसाइट करना है कैसे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 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 जी तो ये आज का आपका लेसन है, आपने इसे सुनना है, प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस 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 टाइम लगाना है, वक्त लगाना है, तब जाके ये छोटी छोटी मिस्टेक जो हैं ये दूर होंगी इंशाल्लाह। इसकी फजीलत पे फिर बात करेंगे, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए और अपनी राय का इजहार कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इस मेरा इस सफ़र में साथ भी दीजिए, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिसमें बहुत सारे लोगों की बहुत बड़ी, मैं कहती हूँ कि उम्रें भी हो गई हैं लेकिन इसके बावजूद जो है अभी तक स्टिल उनकी यहाँ पर मिस्टेक पाई जाती है। तो कोशिश करें दूसरों के लिए इस्लाह का बाइस बनना है इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखें। जज़ाकिल्लाह खैरन कसीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।